हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है के आर द विजन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट जीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि 35 है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिम्पोंग का हिल स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिमी बंगाल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, यानी इन चार ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? पुराण, रामायण, महाभारत या गीता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चार, गीता। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित एक प्राचीन शहर है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में गांधी भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियरे जिनर नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ओडिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने तत्व सूचीबद्ध थे? तो आपके ऑप्शन है 18, 14, 13 या 15। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन है, विक्टोरिया मेमोरियल, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, इंडियन म्यूजियम, यानी या लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय संग्रहालय, इसे इंडियन म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले संगमरमर का उपयोग कर निर्मित कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चार, यानी ये गौर के अंदर स्थित है। 1530 में निर्मित फिरोज मीनार मीनार से आधा किलोमीटर दूर कदम रसूल मस्जिद है। कदम रसूल मस्जिद का अर्थ पैगंबर का पदचिन्ह, यानी पैरों के चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथेरन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलनकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है सलेम, नागपट्टिनम, मदुरे या थेनी। तो इसका राइट आंसर होगा नागपट्टिनम, यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, कांगड़ा या मेहरानगढ़।
तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है 2011, 2013, 2010 या 2018। तो इसका राइट आंसर होगा 2013, ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, शिमला, दार्जिलिंग, कोलकाता या मुंबई। तो ये तो सभी जानती हैं, भारत में रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल या दर्पण महल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, बिहार या पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चार, यानी पंजाब। शीश महल पंजाब के पटियाला में है। इसका निर्माण मुख्य मोतीबाग महल के पीछे महाराजा नरेंद्र सिंह 1845 से 1862 के बीच में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजियंता प्लेस स्थित है? आपके ऑप्शन है शिलांग, कोहिमा, गुवाहाटी या अगरतला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चार, अगरतला। इसका निर्माण 1899 व 1901 के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पानीपत, अंबाला, सोनीपत या हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शालीमार गार्डन वर्ष किस वर्ष निर्मित किया गया? आपके ऑप्शन है 1617, 1616, 1618 या 1619। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चार, 1619 में। शालीमार बाग को वर्ष 1619 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी प्यारी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को कश्मीर का स्वर्ण मुकुट कहा जाता है? तो कश्मीर का स्वर्ण मुकुट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अचबल, कोकरनाग, सोनमर्ग या गुलमर्ग। तो राइट आंसर होगा दो, कोकरनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या हिल्स स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या पश्चिमी बंगाल। तो अयोध्या हिल्स पश्चिमी बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये तो अभी आया था, हैदराबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतीर्थ किस से संबंधित हैं? पंचतीर्थ किस से संबंधित हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, B.R. अम्बेडकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पानी के नीचे बनाया गया रेस्तरा कहाँ है? आपके ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वेलिंगटन, खड़कवासल, देहरादून या चेन्नई। तो राइट आंसर होगा खड़कवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर या भोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुमद का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं। तो राइट आंसर होगा 3, यानी 17वीं शताब्दी में किया गया है, यह कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित है। इसका निर्माण 1626 से 1656 के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है देहरादून, कोची, लखनऊ या गुवाहाटी। तो राइट आंसर होगा लखनऊ, यूपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कश्मीर। तो राइट आंसर होगा ए, यानी सिक्किम के अंदर है चुम्मी घाटी। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर भारत की मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या गुड़गांव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च किस शहर में स्थित है? तो आपका राय तो आपके ऑप्शन है कोच्चि, गोवा, चेन्नई या कोलकाता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोच्चि के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 2018 में भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ हुई है? तो बताइए, आपके ऑप्शन है मौसिनाराम, ऊटी, महाबलेश्वर या चेरापूंजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बर्धमान, कोयम्बटूर, चेन्नई या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, कोयम्बटूर। इसका निर्माण 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बैरकपुर, गांधीनगर, नई दिल्ली या गुड़गांव। तो राइट आंसर होगा बैरकपुर। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, मंगलोर, हैदराबाद या कोची। तो राइट आंसर होगा मंगलोर। मंगलोर के पिलिकुला में स्वामी विवेकानंद तारामंडल भारत का पहला 3D तारामंडल है। यह पिलिकुला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा बनाया गया था।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।